नहीं, इसको थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर दीजिए। हम लोग आए हैं यहाँ पे, परिवार के लोगों के बीच में ही हैं, तो वो लोग मतलब सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को लेके या जैसे भी लेकर और उसको डिटेक्ट कर लीजिए। हाँ नहीं ठीक है, अगर कहीं पे किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो हमको बताइएगा। ऊपर अगर मुख्यमंत्री या किसी से बात करना होगा तो हमको बताइएगा इस विषय पर, है ना। पर इसको अब कर लीजिए, इसको जितना जल्दी होगा तो इसको क्लोज कीजिए मैं करता हूँ, है ना। ठीक है संजय जी, इनके ना सुरक्षा के लिए भी लिख के दे दीजिए जी सर, परिवार में घंटा एक्टिविटी है तो संभवतः इनके ऊपर भी हो सकता है, तो लिख के हमारी तरफ से लिख के मुख्यमंत्री के यहाँ भी दीजिए और एसपी के यहाँ, दोनों जगह दीजिए। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। नालंदा में 13 जनवरी को एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी गई है और उसमें अभी तक एक भी व्यक्ति गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज परिवार वालों से चिराग पासवान ने मुलाकात की है और उसी मौके वहीं से उन्होंने वहां के एसपी को फ़ोन लगाया और तुरंत कहा कि इस पूरे मामले में जो भी लोग हैं दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कराई जाए। मुख्यमंत्री के गृह ज़िले में चिराग पासवान पहुँचे हैं, क्या कुछ बातें हुई है फोन पर एसपी के साथ, पहले आप वो सुने। यहाँ पे आए हुए थे सुमन कुमार जी के यहाँ जो ज्वेलर थे, जानकारी में होगा आपको कि उनकी हत्या कर दी गई थी दिन में, अभी हाँ 4 बजे के करीब हुई थी। उसमें एसपी साहब अभी तक कोई गिरफ्तारी वगैरह कुछ नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर दीजिए। हम लोग आए हैं यहाँ पे, परिवार के लोगों के बीच में ही हैं, तो वो लोग मतलब सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को लेके या जैसे भी लेकर और उसको डिटेक्ट कर लीजिए। हाँ नहीं ठीक है, अगर कहीं पे किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो हमको बताइएगा। ऊपर अगर मुख्यमंत्री या किसी से बात करना होगा तो हमको बताइएगा इस विषय पर, है ना। पर इसको अब कर लीजिए, इसको जितना जल्दी होगा तो इसको क्लोज कीजिए मैं करता हूँ, है ना। ठीक है सर, इनका और भी एक दुकान है सर, सुरक्षा उरक्षा सुरक्षा किया है सर, एक और दुकान है इनका, सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए श्रीमान का। संजय जी, इनके ना सुरक्षा के लिए भी लिख के दे दीजिए जी सर, परिवार में घंटा एक्टिविटी है तो संभवतः इनके ऊपर भी हो सकता है, तो लिख के हमारी तरफ से लिख के मुख्यमंत्री के यहाँ भी दीजिए और एसपी के यहाँ, दोनों जगह दीजिए। आपने सुना चिराग पासवान को वहाँ के एसपी से उन्होंने बात की है और तुरंत उन्होंने एसपी को कहा है कि तुरंत इस पूरे मामले में जो भी दोषी है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की गृह जिले नालंदा में घटना हुई है, बता दें कि जहरीली शराब पीने से भी लोगों की मौत हुई, एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं 13-14 के आसपास जो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है वो लोगों की मौत। हालांकि इस बात की प्रशासन जो है वहाँ की इस बात की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन परिजनों का आरोप यही है। ये लगातार सिलसिला बढ़ता जा रहा है, कई घटना हुए मुख्यमंत्री के गृह ज़िले में, इसलिए सवाल उठता है और चिराग पासवान ने भी पहले भी कई बार सवाल उठाए हैं कि एक सूबे के गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ऐसे में इनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है सूबे के लोगों को सुरक्षित रहना और क्राइम को कंट्रोल करना। चिराग पासवान नालंदा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के गृह जिले में, जहां स्वर्ण व्यवसायी की 13 जनवरी को हत्या हुई, उनके परिजनों से मुलाकात की है और एसपी को फ़ोन लगाकर तत्काल गिरफ्तारी की बात कही है। इसको और बताएं, देखते हैं लाइंस बिहार, नमस्कार।